गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ संगीता पुरोहित। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग पेपर थर्ड, जिसकी यूनिट थर्ड है शिक्षण व शिक्षण प्रक्रिया, जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी, आज हम इसके आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हमने शिक्षण का अर्थ पढ़ लिया था, शिक्षण की अवधारणाएं पढ़ ली थी, शिक्षण की विशेषताएं पढ़ ली थी, कल शिक्षण की प्रकृति पढ़ी, शिक्षण के सिद्धांत पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा व शिक्षण में अंतर। काल का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा व शिक्षण में अंतर। तो एक तरफ ये रहा हमारा शिक्षा व शिक्षण में अंतर, कि क्या अंतर है इन दोनों चीजों में। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे शिक्षा और दूसरी तरफ लिखेंगे शिक्षण, मतलब एक टेबल बना रहे हैं हम, जिसमें एक तरफ लिख रहे हैं शिक्षा और सेकंड तरफ लिख रहे हैं शिक्षण। तो शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है? शिक्षा आप समझते हो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जिसका अर्थ है जहां सीखना। ठीक है, तो शिक्षा वो है और शिक्षा मतलब जो एक शिक्षक द्वारा करवाया जाता है वो शिक्षण है। तो शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है जो हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट, शिक्षा विकास का क्रम है। शिक्षा विकास का एक क्रम है और जो शिक्षण है वो विकास में सहायता करता है। शिक्षण विकास में सहायता करता है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर, शिक्षा तो एक विकास का क्रम है, लेकिन जो शिक्षण है वो विकास का सहायता करता है। विकास इट मीन्स बालक का विकास। जब बालक जन्म लेता है शैशवावस्था में, जन्म से लेकर ही जब बालक एक दिन का होता है या एक घंटे का होता है, एक दो दिन का होता है, जैसे 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 उसके जो एज होती है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका विकास निरंतर चलता रहता है। विकास मतलब किसी चीज का विकास होना, मतलब बड़ा होना। तो जो शिक्षा है वो विकास का क्रम है, लेकिन शिक्षण विकास में सहायता करता है। मतलब शिक्षण करवाकर, शिक्षण करके बालक के विकास में तीव्रता से वृद्धि होती रहती है। सेकंड है शिक्षा गतिशील है। शिक्षा गतिशील है और शिक्षण परिवर्तनशील है। शिक्षण परिवर्तनशील है, परिवर्तन इट मीन्स कला है। तो जो शिक्षा है वो गतिशील है, मतलब शिक्षा गतिशील होती है, मतलब उसमें गति होती रहती है दिन ब दिन। तो जो शिक्षण है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील इट मीन्स कला है। तो शिक्षण में नित नए परिवर्तन आते रहते हैं, जैसे आज कुछ और करा, कल उसमें कुछ और ज्यादा इफेक्टेड चीज डाल दी, वो सारा क्या है, परिवर्तनशील है। तीसरा है शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती। शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती है। तो जो शिक्षा है वो किसी भी प्रकार के कोई संबंध स्थापित नहीं करते, शिक्षा सभी के लिए समान है, और जो शिक्षण है वो संबंध स्थापित करता है। शिक्षण संबंध स्थापित करता है, जैसे बालक व विषय वस्तु का संबंध। तो जो शिक्षा है वो संबंध स्थापित नहीं करते, शिक्षा सभी के लिए समान है, अपितु जो शिक्षण है वो संबंध स्थापित करता है, जैसे बालक का विषय वस्तु के का संबंध। मतलब जो बालक है उसका विषय वस्तु के साथ संबंध जुड़ जाता है, जैसे किसी बालक को, किसी स्टूडेंट को साइंस अच्छी लगती है, किसी को कॉमर्स, किसी को आर्ट्स,
इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, एटीसी। तो शिक्षण है वो संबंध स्थापित करता है। जैसे एक अध्यापक इतना इफेक्टेड, इतनी इफेक्टेड टीचिंग करवा रहा है कि बालक उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब रुचि ले रहा है, तो बालक जब उस चीज में इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, तो उस विषय के साथ बालक का संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे एज एग्जांपल कोई टीचर है, वो बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी मैथ पढ़ा रहा है, अगर बालक को उसकी साइकोलॉजी मैथ समझ में आ रही है तो बालक उस चीज में इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, रुचि लेगा तो उससे उस विषय वस्तु का और बालक का संबंध स्थापित हो जाएगा। इसीलिए शिक्षण है वो संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी मतलब एक तो शिक्षक और सेकंड शिक्षार्थी, मतलब एक तो इसमें बालक होता है और एक अध्यापक होता है, ये द्विमुखी प्रक्रिया है। और जो शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी में इसमें कौन कौन आएगा? शिक्षक आएगा, शिक्षार्थी आएगा व विषय वस्तु आएगी। तो जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी मतलब दो मुखों में चलने वाली प्रक्रिया, दो लोगों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षक और शिक्षार्थी इसमें मुख्य बिंदु होते हैं। जो शिक्षक है वो त्रिमुखी है, इसमें एक शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, विषय वस्तु तीनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, फिर शिक्षण करवाया जाता है। तो ये तो है शिक्षा और शिक्षण में अंतर की शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है। तो शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जिसका अभिप्राय सीखना अर्थात ज्ञान। और शिक्षण जो किसी अध्यापक द्वारा करवाई गई टीचिंग या पढ़ाया गया वो है शिक्षण। तो इसमें अंतर फर्स्ट ये था कि शिक्षा विकास का क्रम है और शिक्षण विकास का सहायता करता है। सेकंड, शिक्षा गतिशील और शिक्षण परिवर्तनशील है, इसमें नित्य परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि शिक्षण एक कला है। तीसरा है, शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती, मतलब शिक्षा सभी के लिए समान है, इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, अपितु शिक्षण संबंध स्थापित करता है। जैसे बालक व विषय वस्तु का संबंध, अगर किसी एक बालक को कोई विषय वस्तु अच्छी लगती है तो उसका उस विषय वस्तु और बालक का संबंध स्थापित हो जाता है। शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, और शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी व विषय वस्तु होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से है। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से। हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांत पढ़े थे कल, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है क्रिया व रुचि का सिद्धांत, क्रिया एवं रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में सबसे फर्स्ट सिद्धांत है क्रिया एवं रुचि का सिद्धांत। क्रिया मतलब किसी कार्य का करना या होना, और रुचि मतलब इंटरेस्टेड। जब बालक किसी कार्य को करता है, अगर उसमें रुचि लेकर करेगा तो वो कार्य बहुत आसानी से सफल हो जाएगा। जैसे एज एग्जांपल कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी अगर उसमें रुचि है तब तो उस कार्य में वो सफल हो जाएगा, अन्यथा अगर उसकी उसमें रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो उसमें सफल होना कदापि जरूरी नहीं है, कदापि नहीं हो सकता। जैसे कोई बालक होता है, उसकी डांस में रुचि है, उसको डांस करना अच्छा लगता है, किसी बालक को सिंगिंग अच्छी लगती है, अगर उसको सिंगिंग वाले चीज या सिंगिंग वाले एरिया में ही भेजा जाए, उससे उसको कनेक्ट किया जाए, तो उसमें बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। जैसे आप लोग यहाँ बीएड करने आए, तो सभी का बीएड करने में कोई रुचि नहीं होगी, कोई जबरदस्ती भी आया होगा, लेकिन अगर इसी चीज को आप जबरदस्ती तो आ गए, लेकिन अगर इसी चीज को आप रुचि लेकर करोगे, बीएड तो आपको करनी है, दो साल भी आप
आपको यहाँ बितानी ही है, तो अगर इन दो साल को आप इंटरेस्ट रुचि के साथ करोगे किसी कार्य को, तो आप इसमें बहुत अच्छी तरह से सफलता हासिल कर सकते हो, सफलता अर्जित कर सकते हो। तो फर्स्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है क्रिया एवं रुचि का सिद्धांत। सेकेंड है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में सेकंड सिद्धांत था वो है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास मतलब किसी भी चीज को करने का अभ्यास करना। तो शिक्षा यह कहती है, शिक्षण यह कहता है कि किसी चीज को अगर हम किसी चीज को करने का अगर हम अभ्यास करेंगे, बार बार उस चीज को दोहराएंगे, तो वो चीज आसानी से सफलतापूर्वक हो जाएगी। जैसे कोई चीज, जैसे एज एग्जाम्पल किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, अगर वो क्रिकेट उसको खेलना अच्छा तो लगता है लेकिन वो अभ्यास नहीं कर रहा तो उस चीज में सफलता अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसी चीज को अभ्यास करेगा, रोज क्रिकेट खेलेगा, रोज पर डे बैटिंग और बॉलिंग करने की ट्राई करेगा, अभ्यास करेगा, तो एक दिन क्रिकेट में बहुत ही अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। तीसरा है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत यह वह सिद्धांत है जिसमें किसी भी चीज को करने के लिए तत्पर रहना। जैसे आपको आरएस बनना है तो बनना है वो तो आपने सोच लिया, लेकिन आरएस कैसे बनना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, सारा शेड्यूल जानकर या सारा शेड्यूल बनाकर आपको उसको फॉलो भी करना है, मतलब उस कार्य के प्रति तत्पर रहना है। रात दिन आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, वो है आरएस, तब जाकर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को करने की तत्परता होना अत्यंत आवश्यक है। फोर्थ है सहभागिता का सिद्धांत। शिक्षा और जो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसमें कौन सिद्धांत है, सहभागिता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने की सहभागिता होना अत्यंत आवश्यक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा शिक्षण, शिक्षा और शिक्षण में अंतर, फिर हमने पढ़ा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो कल हम पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर। सामान्य रूप से शिक्षण के तीन स्तर है, वो कल पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त।